Assalamualaikum, welcome to Student Tube. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन है हमारा 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो चलें स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर. लॉग बेस में है इसकी 27 और 1/81. यहाँ पर ये लॉग की स्टेटमेंट ज़रा अधूरी है तो इसे पूरा कर लेते हैं. लॉग 27 1/81 इज इक्वल टू y. अब ये हो गई कंप्लीट. इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बेस पावर. इसी तरह बेस में आएगी 27, इसके बाद y आएगा इसके ऊपर क्योंकि ये एक एक्सपोनेंट है. इसके बाद इज इक्वल टू 1/81. अब यहाँ पर 27 और 81 का हम लेंगे LCM. 27 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 की पावर आ गई. 3 मतलब 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा और यहाँ पर ये यह ऊपर आ गया y. इसके बाद 81 की बारी. 81 3 2s are 6, यहाँ पर 2 चले गए 21, 3 7s are 21, फिर 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. तो यहाँ पर जब हम 3 को 4 टाइम्स करेंगे तो आएगा 81. तो यहाँ पर हो गया 1/3 की पावर 4. ओके, अब यहाँ पर इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 की पावर हो जाएगी 3y और यहाँ पर 1 हम ख़त्म करेंगे, 3 और इसकी पावर ऊपर चले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, पावर हो जाएगी -4. ठीक है, यहाँ पर बेस जो है वो सेम हो चुकी हैं, दोनों 3 हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पावर्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -4. अब यहाँ पर y से ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो 4 के साथ हो जाएगा डिवाइड. तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -4/3 आंसर. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.